राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। गार्ड और डॉक्टरों के साथ मारपीट से पूरा अस्पताल सहम गया। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब अस्पताल में मारपीट की खबरें सामने आई हों। इससे पहले भी कई बार गार्डों के साथ मारपीट की जा चुकी है, लेकिन इस बार मामला बेहद संगीन है क्योंकि इस बार मारपीट महिला गार्ड के साथ हुई है। दरअसल अमन विहार इलाके से संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए घायल हालात में एक मरीज को लाया गया था। मरीज को चाकू लगा हुआ था और उसके साथ लगभग 15 से 20 की तादाद में तीमारदार अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। जब महिला गार्ड ने उन लोगों को हंगामा करने से रोका तो तीमारदारों ने महिला गार्ड के साथ मारपीट और शारीरिक बदसलूकी भी की, जिसके बाद महिला गार्ड ने अपने कुछ अन्य साथियों को मामले की जानकारी दी और जब बाकी के गार्ड उन तीमारदारों को हंगामा करने से रोकने के लिए पहुंचे तो उनके साथ भी जबरदस्त मारपीट की गई, जिसमें जाकिर नाम के गार्ड की हालत गंभीर बनी हुई है और कई गार्डों को चोटें आई हैं। एक चाकू लगा पेशेंट आया था, उसके साथ हमने ट्रीटमेंट भी दिलवाया, टाके भी लगवाए। उसके साथ वाले थे, हमसे जबरदस्ती कर रहे, हम अंदर जाने का मना कर रहे, मेरे सारे साथ वाले गार्ड उसको रोक रहे, फिर भी हमें धक्का करी, हाथ पाई करी, मेरे साथ ये करा, मेरे साथ दूसरे गार्ड है उसके साथ खून खच्चर करा, अंदर भी तोड़ फोड़ करिए और हमसे गंदी गंदी गाली दे रहे, उस पर ब्लेम लगा रहे कि तुमने हमारी ज्वेलरी तोड़ी। फिलहाल महिला गार्ड के बयान के आधार पर पुलिस ने छेड़छाड़ और मारपीट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट चुकी है। लेकिन इस तरह से सरकारी अस्पताल में गार्डों के साथ मारपीट का एक कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि अस्पताल में ड्यूटी कर रहे गार्ड और डॉक्टरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, जिससे डॉक्टर निश्चिंत होकर सही तरीके से मरीजों का इलाज कर सके। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।